जिस धर्म में बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुत अच्छे पद पे होने के बावजूद भी चपरासी फाइल फेंक के देते थे, सम्मान से पानी पीने का अधिकार भी नहीं था, बहुत दुख के साथ वो धर्म परिवर्तन किया, वरना किसको शौक है कि कोई अपने घर को छोड़ के कहीं और जाएगा। वो तो इसलिए गए ना, जब हमें अपमान मिल रहा है लगातार दिन ब दिन, वो सारी चीज़ें हमें बेइज्जती फील हो रही है, तो जहाँ हमें सम्मान मिल रहा है हम जा रहे हैं, तो चुप क्यों रहे उन लोगों के? शायर के तौर से कैसे कहेंगे इन सारे मुद्दों को, इन सारी बातों के? अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, हो मत समझना डराने से डर जाएंगे। ये मेरा उन लोगों को है जो भाजपा के लोग, अभी लाला केजू की एक वीडियो वायरल हो रही थी, हमने देखी, उन्होंने कहा कि केजरीवाल को बुरा कह लेना लेकिन भगवान को बुरा कहोगे तो जनता माफ़ नहीं करेगी, और बहुत तेज़ी से नारा लगाया उन्होंने एक ऐसे नाम का जिस नाम से लिंचिंग हो रही है, मैं लेना ही नहीं चाहता उस नाम को, के अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, हो मत समझ ना डराने से डर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं अंबेडकर स्मारक में, जहां कि अंबेडकर मेमोरियल है, और यहां इस वक्त ये तमाम लोग हाथों में पंचशील का झंडा और जय भीम का नारा लगाते हुए राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में एकत्रित हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त इन तमाम लोगों के बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिनको आप बेहतर तरीके से जानते हैं, अभिषेक जाटव जी, बहुजन शायर के नाम से मशहूर हैं और भीम आर्मी से भी जुड़े हुए हैं, भीम आर्मी भी आज अपना समर्थन जाहिर करने के लिए यहाँ पहुँची हुई है। तो सबसे पहले अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। और तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, एक आम आदमी की तरह लोग अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप बहुजन शायर के नाम से मशहूर हैं तो शायरी के लहजे में आपसे जवाब चाहूँगी कि आज का ये जो पूरा नज़ारा है जो हम देख रहे हैं, ये कैसे अलग है और लोग यहाँ क्या करने आए हैं? देखिए, जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता, सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते कि जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। आज से पहले कभी आप हालात देखेंगे कौम के, तो शायद वो सफ़ेद वाले लोग ही इस समाज का नेतृत्व करते थे, लेकिन आज वर्तमान की जो परिस्थिति है कि जितने संख्या में आपको बड़े बुजुर्ग यहाँ दिखेंगे, ये बड़ी खुशी की बात है कि इतनी संख्या में हम उम्र नौजवान यहाँ पे आपको दिखेंगे, तो ये परिवर्तन है, समाज बदल रहा है और बहुत जल्द बड़ा परिवर्तन आएगा। समाज बदल रहा है बिल्कुल, और ऐसे ही हिंदू संगठनों का कहना है कि हिंदू भी जाग रहा है और हिंदू युवाओं में भी जोश आ रहा है, वो भी अपने धर्म को बचाने की बात कर रहा है, और इसीलिए जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनको लेकर लोगों को बड़ी खलबली मिर्ची लग रही है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई जाग रहा है तो इसमें बुराई थोड़ा ही है, वो अपना काम करें हम अपना काम करेंगे, जिसका संघर्ष ज़्यादा होगा वो कामयाब हो जाएगा। शुरुआती समय से पीते मेरे हिसाब से 100 साल हो जाएंगे आरएसएस को बने हुए, उसकी ताकत देख लीजिए, और बहुजन समाज के नौजवानों को जागे हुए बहुत कम समय हुआ, आप ये ताकत देख लीजिए, ये तो समय बताएगा कि उड़ान किसकी होगी, आसमान किसका होगा, संघर्ष तय करेगा कि जीत किसकी होगी, खाली कह देने से काम नहीं होता। आप इस भारी संख्या को देख रहे हैं, इस भारी संख्या से नींद उड़ रही होगी उन तमाम लोगों की जो ये बताते हैं कि बहुजन समाज कमज़ोर है, जो ये समझते हैं कि ये बहुजन समाज जो सदियों से पिछलग्गू रहा तो ये आज भी पिछलग्गू बना के रखेंगे, तो वो भ्रम अपने दिमाग से निकाल दें, वो भ्रम हम लोग तोड़ देंगे। इन राजनीतिक पार्टियों का हम क्या करेंगे, इनके बारे में आप क्या कहेंगे, जो आम आदमी पार्टी की तरह है, जो बाबा साहेब के विचारों को फैलाने का दावा करती हैं, जो कहती हैं कि हम स्कूलों में पढ़ाएंगे, स्पेशल कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे? मेरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली में इतने सारे स्कूल्स हैं, वो टाइल्स लगवाने से और वो उसमें बढ़िया से शाइनर लगवाने से स्कूल में परिवर्तन होता है, या उसमें जो शिक्षा की नीति है वो बढ़ाने से होता है? आप दिल्ली में कितने ऐसे स्कूल हैं जिसमें साइंस साइड की जो है सुविधाएं उपलब्ध हैं? मेरा सवाल है केजरीवाल जी से कि आप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और आप पूरे देश में इसी एजेंडे से जो है वोट मांगते हैं कि भाई हमारी शिक्षा नीति बहुत पावरफुल है और हम बहुत अच्छी शिक्षा नीति दिल्ली के अंदर लेके आए हैं, जो लागू है, जो चल रही है, मेरा सवाल है आपसे, आप जवाब दे दीजिएगा कि दिल्ली के इतने सारे स्कूलों में से कितने स्कूलों में साइंस साइड की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो लैब स्कूल में, हर स्कूल में बाबा साहेब को पढ़ाया जा रहा है? आप देखिए, बाबा साहेब की जीवनी को दिल्ली में प्रदर्शित किया गया एक लंबे समय तक के लिए, और उसके बाद अब जब ये बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं पर विवाद हुआ है तो केजरीवाल जो समाज ना भोला है, बेवकूफ नहीं है, अब तो हमें भी समझ आ गया है ना कि बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लो और समाज का वोट लूट लो, बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से हम वो बड़ी बड़ी वो करवा दें और वोट लूट लो, समाज बेवकूफ़ नहीं है, अब वोट इस तरह नहीं देगा, बात देख लीजिए ना। हम तो जब समझते हैं कि आप बाबा साहेब अम्बेडकर के, देखिए ये विरोध जो हो रहा है ना,
ये विरोध राजेंद्रपाल गौतम जी का थोड़ा ही हो रहा है, ये विरोध तो बाबा साहेब अम्बेडकर का हो रहा है, क्योंकि प्रतिज्ञाएं तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने ली थी, ये तो राजेंद्रपाल गौतम जी और तमाम लोगों ने दिल्ली के रानी झांसी रोड में दोहराई थी, तो विरोध तो ये जाने अनजाने में राजेंद्रपाल गौतम जी को तो आगे किया जाए, टारगेट तो बाबा साहेब अम्बेडकर का है, वो 22 प्रतिज्ञाओं में बुराई क्या थी भाई। इस देश में जो है वो फंडामेंटल राइट है कि हम अपने हिसाब से किसी भी धर्म को चुन सकते हैं, ये हमारी अपनी नीति निजी वो है कि हम किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इससे किसी और को मिर्ची क्यों लग रही है। लेकिन ये विरोध कैसा है, नरेंद्र मोदी जब दूसरे देशों में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और यहाँ बुद्ध की अगर धम्म दीक्षा लोग लेते हैं, बुद्ध की शरण में जाते हैं या बाबा साहेब की प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं, तो लोगों को फिर क्यों इतनी तकलीफ होती है। देखिए तकलीफ का कारण यह है कि जिस चीज़ से उनकी राजनीतिक रोटी सिक रही है ना, वो रोटी जब बहुत बड़ा धर्म परिवर्तन हो रहा है, जब लोग उस धर्म को छोड़ देंगे जिस धर्म में बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुत अच्छे पद पे होने के बावजूद भी चपरासी फाइल फेंक के देते थे, सम्मान से पानी पीने का अधिकार भी नहीं था, बहुत दुख के साथ वो धर्म परिवर्तन किया, वरना किसको शौक है कि कोई अपने घर को छोड़ के कहीं और जाएगा। वो तो इसलिए गए ना, जब हमें अपमान मिल रहा है लगातार दिन ब दिन, वो सारी चीज़ें हमें बेइज्जती फील हो रही है, तो जहाँ हमें सम्मान मिल रहा है हम जा रहे हैं, तो चुप क्यों रहे उन लोगों की। आप शायर के तौर से कैसे कहेंगे इन सारे मुद्दों को, इन सारी बातों को? एक नज़्म पढ़ देते हैं के अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, हो मत समझना डराने से डर जाएंगे। ये मेरा उन लोगों को है जो भाजपा के लोग, अभी लाला केजू की एक वीडियो वायरल हो रही थी हमने देखी, उन्होंने कहा कि केजरीवाल को बुरा कह लेना लेकिन भगवान को बुरा कहोगे तो जनता माफ़ नहीं करेगी, और बहुत तेज़ी से नारा लगाया उन्होंने एक ऐसे नाम का जिस नाम से लिंचिंग हो रही है, मैं लेना ही नहीं चाहता उस नाम को, के अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, हो मत समझ ना डराने से डर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पर लिए जो बोल रहा हूँ सच, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और आरएसएस के उन युवाओं के लिए और हिंदू धर्म संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं जिन्होंने इन 22 प्रतिज्ञाओं के खिलाफ जो आवाज़ है वो उठाई, उनके लिए क्या कुछ कहेगा एक शायर? उनके लिए एक शायर सिर्फ इतना कहेगा कि आप अभी नॉन एजुकेट हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, जब आप पढ़ेंगे कि जिसके हिसाब से पूरा देश चल रहा है वो संविधान, मैंने कहा अभी भी कि ये अनुच्छेद नहीं है, फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है ये वो है, और इससे तो हमें कोई भी नहीं, कोई कानून भी नहीं रोक सकता है। तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया, अगर उनका किया गलत है, तो उस गलत को हम एक बार नहीं एक लाख बार करेंगे, आपकी जितनी भी कोशिशें वो नाकाम होंगी, क्योंकि आपने, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने यॉर्कर मारी थी और हम लोगों ने छक्का मार दिया, राजेंद्रपाल गौतम ने छक्का मार दिया, आप देखिए ना उन्होंने अपने इस छोटे से काम से विरोध करके समाज को एकजुट कर दिया, हम तो कहें आप ऐसे काम रोज करो, हमारी नीतियों का विरोध आप रोज करो, समाज एकजुट होगा। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।